क्या हाल है गेमर्स, मैं हूँ बोल। अरे बोल तू क्या कर रहा है? फुल स्पीड बनी। अरे बोल लेकिन फुल स्पीड क्यों? हैंड ब्रेक। अरे यार बोल ना यार क्या कर रहा है? अरे बनी ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट। अरे यार तू यार शॉर्ट्स मत दिखा कर यार, रील्स वगैरह मत दिखा कर। अरे बनी क्या मस्त लग रहा है। वैसे हम लोग आज यहाँ पे करने के वाले हैं अर्थ बैटल ग्राउंड में। हाँ गाइस, मैं आपको तो स्वागत करना भूल ही गया हूँ। गाइस मैं हूँ बोल्ड, मैं दोबारा से आ गया हूँ गाइस आर्क बैटल ग्राउंड में। और गाइस आज यहाँ पे होने वाला है भयानक बैटल्स। आप सभी भाइयों ने बहुत सारा कमेंट करा है, ऑलमोस्ट 2000 के आप कमेंट करा है आप सभी भाइयों ने। हाँ गाइस 2000 प्लस से भी ज्यादा कमेंट्स आए हैं मुझे। एंड गाइस आप में से कुछ भाइयों का मैं कमेंट पिक करके आज यहाँ पे डायनासोर बैटल कराने वाला हूं गाइस। तो चलो गाइस आज के बैटल्स को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो अपने बोल भाई के चैनल को, क्योंकि 7 लाख सब्सक्राइबर हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है? हाँ हाँ भाई लोग कर ही दो यार अपने प्यारे से बोल भाई को सब्सक्राइब। एंड गाइस आज जो पहला बैटल आप लोग देखने वाले हो वो होने वाला है ड्रैगन बैटल। अरे क्या मजा कर रहे हैं ड्रैगन बैटल? हाँ गाइस ड्रैगन बैटल। तो चलो गाइस ड्रैगन बैटल को पहले देखते हैं और फिर गाइस आप सभी भाइयों का कमेंट में पिक करने वाला हूँ। Approximately 10 hours later. गाइस जैसे कि देख सकते हो मैं एक बहुत ही भयानक सिचुएशन में फंस गया हूँ। अरे बोल यार टेंशन ऐसा क्यों होता है? लेकिन मेरे पास सुपर स्पीड है, पकड़ के दिखा। गाइस ये एक ड्रैगन गॉड तो आ गया है, अभी मैं दूसरे ड्रैगन गॉड को बुलाने वाला हूँ। ठीक है? अरे यार तू सही में ड्रैगन गॉड्स का फाइट करने वाला है और वो भी पहले ही मैच में? हाँ यार गाइस मुझे अच्छा लगता है यार गाइस आप सभी भाइयों को अच्छा अच्छा मैच दिखा के। ठीक है? एंड गाइस देख सकते हो ये एक फायर ड्रैगन गॉडलिंग था। आप सभी भाइयों को एक चीज याद होगा कि बोल के पास भी ऐसा एक सेम ड्रैगन हुआ करता था। हुआ करता था नहीं, अभी भी है गाइस, दिखाऊंगा। लेकिन वो अपने प्राइमल फियर के दुनिया में है। ठीक है? तो दूसरे वाले ड्रैगन को बुलाते हैं। चलो गाइस, लेकिन एक चीज गाइस, ये ड्रैगन गॉडलिंग उड़ नहीं सकता। अरे यही तो डिफेक्ट है ना। चल कोई प्रॉब्लम नहीं, बुला ले दूसरा ड्रैगन। ओके गाइस दूसरा ड्रैगन बुलाते हैं। चलो गाइस। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो मेरे पीछे की तरफ है एक गाइस फायर गॉडलिंग और तेरे आगे है एक ब्लैक हार्ड गॉडलिंग और ये भी उड़ नहीं सकता, लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग है गाइस। गाइस जैसे कि देख सकते हो इसको बोलते हैं गाइस ब्लैक हार्ड गॉडलिंग। गाइस ये इसके जैसा ही है लेकिन गाइस इसका पावर अलग है। ठीक है? ये थोड़ा सा अलग पावर का है। ठीक है? मुझे भी पता नहीं, आई थिंक गाइस इसका पावर थोड़ा सा पॉइजनस भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं बनी, जिसके पास पॉइजन फायर हो? पॉइजन फायर टाइप मूव्स? नहीं नहीं कुछ तो बोलते थे गाइस, क्या बोलते थे आप लोग कमेंट करना। ठीक है? तो ये उस टाइप का ड्रैगन है। ठीक है? तो दोनों ही सेम ड्रैगन है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि कौन सा वाला ड्रैगन जीतेगा, ये फायर ड्रैगन गॉडलिंग जीतेगा या फिर गाइस ये ब्लैक हार्ड ड्रैगन गॉडलिंग। तो चलो फाइट को शुरू करते हैं इन 3 2 1 गो। ओके गाइस फाइट हो गया शुरू, अब देखते हैं इन दोनों के बीच फाइट कैसा। ओए अरे ये तो जंप करने लगा भाई। अरे हाँ लेकिन ये ब्लैक हार्टेड क्यों कुछ नहीं कर रहे? अरे मेरे को कुछ नहीं पता गाइस ये ब्लैक हार्टेड अटैक क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन अभी देख सकते हो दोनों के बीच एकदम बरोबर कंपटीशन हो रहा है। अरे वाह क्या ही खूबसूरत नजारा है ना गाइस। वाह सही में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार। बोल तूने तो आज पहली भी फाइट में बहुत कमाल का फाइट दिखा दिया अपने भाई लोग को। अरे गाइस सही में दोनों बहुत ही कमाल का फाइट कर रहे हैं। अभी बता नहीं गाइस कौन सा वाला ड्रैगन जीतेगा। वैसे बनी तू कौन से ड्रैगन के साथ था? मैं था फायर गॉड ड्रैगन गॉडलिंग के साथ। ठीक है? अगर ये फायर इसने फायर वाला चूज करा है तो गाइस मैंने ये पॉइजन वाला चूज करा है। ठीक है? तो देखते हैं अभी। बाप रे गाइस दोनों तो कमाल का फाइट कर रहे हैं, अभी तक बैटल खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे यार बोल तेरे शरीर में ये लग गया यार। अरे बोल तेरे शरीर में आग लग गया यार, पास मत जाइयो इतना। अरे अरे हाँ हाँ गाइस पास नहीं जाना चाहिए। एंड गाइस मैं क्या बोल रहा, दोनों ही गाइस गॉड है, गॉड ड्रैगन है। ठीक है? ओ भाई साहब देख सकते हो एक काला फ्लेम छोड़ रहा है तो दूसरा गाइस ब्लू कलर का फ्लेम छोड़ रहा है, आई मीन आग। ठीक है? फायर ब्रीडिंग कर रहा है। एंड मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यार ये ब्लैक हार्ट ड्रैगन गॉडलिंग इतना कुछ अटैक नहीं कर रहा है? कर रहा है लेकिन उसका अटैक जो फायर वाला है उसका अटैक थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है। हाँ वो तो है, बनी ने एकदम अच्छा नोटिस करा गाइस। जो फायर वाला है उसका अटैक आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है? एंड ये जो ब्लैक वाला है इसका अटैक थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है। अभी गाइस देखते हैं कौन जीतेगा। अरे यार बोल ये फाइट खत्म वैसे होगा कब? एक तो मर जा भाई, कितना देर तक फाइट करेगा भाई? अरे भगवान है ड्रैगन के तो फाइट तो करेंगे ही ना। अरे यार हाँ लेकिन एक दूसरे को तो अभी मार ही देना चाहिए क्या, 2000 साल के बाद ये। ओह नो गाइस मैं जस्ट बोलने ही वाला था कि अरे ओए उनो 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 मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। अरे भाई साहब ये तो गुस्सा हो गया भाई। ओह 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 इसने मेरे को भी चला दिया। ओ गाइस इसने मेरे को भी चला दिया भाई। तो गाइस मैं बोलने ही वाला था इन लोग का फाइट 2000 साल तक लास्ट करने वाला है, लेकिन गाइस ये फायर ड्रैगन गॉडलिंग तो ज्यादा शक्तिशाली निकला भाई।
ओ बाप रे गाइस, इसने ब्लैक ड्रैगो गॉडलिंग को फाइनली हरा दिया। तो जिन जिन भाई लोगों ने गाइस फायर ड्रैगो गॉडलिंग कमेंट करा था तो वो लोग विनर बने। तो चलो गाइस अभी आप में से एक भाई का कमेंट पिक करते हैं और फिर फाइट करवाते हैं। A few minutes later. So guys, पहला कमेंट करा है अनुज सिंह भाई ने और भाई ने कमेंट करा है सेलिस्टियल फेरॉक्स वर्सेस बफन फेरॉक्स, ठीक है। एंड गाइस सीरियसली बताऊं तो मुझे भी देखना था ये बैटल कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेलिस्टियल फेरॉक्स या बफन फेरॉक्स। मेरे को लगता है सेलिस्टियल फेरॉक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हां गाइस, सेलिस्टियल फेरॉक्स तो ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम लोग गाइस बफन फेरॉक्स के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते। तो चलो, अनुज भाई ने जैसे बोला कि इन दोनों के बीच फाइट कराना है तो कराते हैं फाइट। 3, 2, 1 गो। ओके गाइस, बैटल हो गया शुरू। अब देखते हैं गाइस, अब देखते हैं। ओ नो, अरे अरे, ये वाला बफन फेरॉक्स कुछ भी नहीं कर रहा है। गाइस पता नहीं इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, ठीक है, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है। लेकिन ओ, बफन फेरॉक्स ने क्या हमला करा भाई, क्या हमला करा। अरे कौन जीता यार? गाइस पता नहीं कौन जीता, लेकिन इनमें से एक तो रुक गया है, ठीक है। ओ बफन फेरॉक्स, अरे क्या बोल रहे, बोल, बफन फेरॉक्स जीत गया। गाइस बफन फेरॉक्स जीत गया? नहीं, गाइस मैं ये मुकाबला दोबारा से देखना चाहूंगा। मैं भी देखना चाहूंगा यार। गाइस बफन फेरॉक्स को पहले हमला किया था उस सेलेस्टियल फेरॉक्स ने, भाई साहब बफन फेरॉक्स ने तो कमाल कर रहा है। चलो गाइस दोबारा से इसी वाले बैटल को देखते हैं। ओके गाइस, तो मैंने दोबारा से यहां पे एक सेलेस्टियल फेरॉक्स को ला दिया है। अब देखते हैं गाइस कौन जीतता है। 3, 2, 1 गो। ओके गाइस, बैटल हो गया शुरू। नहीं, बैटल अभी तक शुरू नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है सीन। अरे इसके साथ फाइट तो कर ले भाई। मेरे को लग रहा है सेलेस्टियल फेरॉक्स जरूर गया। अब फाइट होने वाला है, देखते हैं गाइस। कम ऑन बफन फेरॉक्स, कुछ कर। अरे गाइस इसने पहला हमला किया, अब देखते हैं गाइस क्या होता है। अरे बोल्ट, मेरे को डर लग रहा है, मैं अभी तक तो सेलेस्टियल फेरॉक्स को देख पा रहा हूं यार। ओ भाई क्या हमला था यार, गाइस ये क्या हमला था यार। मेरे को लगता है बोल, फिर से बफन फेरॉक्स जिंदा हो गया रे बाबा। अरे गाइस बफन फेरॉक्स ने दो बार हरा दिया। इसका मतलब सही में क्या बफन फेरॉक्स ज्यादा स्ट्रांग है क्या? अरे बोल, सही में बफन फेरॉक्स ज्यादा स्ट्रांग है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता गाइस, क्योंकि अभी और एक चीज देखना है। क्या चीज? एसेंडेड सेलेस्टियल फेरॉक्स। अच्छा, सेलेस्टियल फेरॉक्स का इवॉल्व फॉर्म। हां गाइस, सेलेस्टियल फेरॉक्स का इवॉल्व फॉर्म। अरे बोल, इस बार तो ये एसेंडेड सेलेस्टियल फेरॉक्स है। हाँ गाइस, इस बार आ गया एसेंडेड सेलेस्टियल फेरॉक्स, मतलब गाइस ये सेलेस्टियल फेरॉक्स का इवॉल्व फॉर्म है, ठीक है। और सामने है गाइस बफन फेरॉक्स, ठीक है। दोनों का लेवल 350 है, ठीक है। तो चलो गाइस अभी हम लोग को पता चलने वाला है, रियली पता चलने वाला है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बफन फेरॉक्स या सेलेस्टियल फेरॉक्स। इन 3, 2, 1 गो। ओके गाइस, बैटल हो गया शुरू। अरे ये बफन फेरॉक्स करता क्यों कुछ नहीं? ओ नो गाइस, इसने हमला करा। ओ नो गाइस, बफन फेरॉक्स ने भी हमला करा। मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यार। ओ गाइस, मैंने कुछ देखा, मैंने भी देखा यार, बफन फेरॉक्स ने दोबारा से एक एसेंडेड सेलेस्टियल फेरॉक्स को हरा दिया। गाइस ये बफन फेरॉक्स सही में बहुत ज्यादा ओपी है, मेरे को पता नहीं था गाइस। मेरे को भी पता नहीं था कि बफन इतने ज्यादा स्ट्रांग होते यार। गाइस इसने प्रूफ कर दिया यार। ओ भाई, तो चलो गाइस अभी दूसरा कमेंट पढ़ने का वक्त आ गया है। ओके सो गाइस, जो नेक्स्ट कमेंट करा है, दूसरा कमेंट है आज का, वो है डिपेंडर ठाकुर। तो भाई ने ये कमेंट करा है, 1 Chaos Griffin वर्सेस 1 Spirit Griffin। अरे यहाँ पे अगर स्पिरिट और केओस के बीच फाइट होने वाला है ना, तो बोल मैं गलती मारता हूँ यार, क्योंकि भाई लोग स्पिरिट ग्रिफिन, केओस ग्रिफिन दोनों ही सर्वशक्तिशाली है। अरे तो क्या हुआ भाई, मैं हूँ। अरे तू ही इसलिए ज्यादा टेंशन होता है यार। अरे ठीक है बानी, मैं सिचुएशन को संभाल लूंगा। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ, ये क्या है? अरे ये क्या है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट, सामने की तरफ ये क्या है, आप लोग को तो ऑलरेडी समझ में आ गया है, ये एक स्पिरिट ग्रिफिन है। एंड गाइस आप लोगों ने इस वाले केओस ग्रिफिन को तो देख ही लिया है। तो चलो गाइस आप सभी भाई को एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा दोपहर का टाइम है ना, रात का टाइम कटे और फिर नजारा देखने लायक होगा। तो चलो कटते हैं रात। इन 3, 2, 1 जा मेरी रानी रात। अरे क्या बोलता है यार। अरे वाह बोल, अब मेरे को नजर आ रहा है। गाइस देख सकते हो ये एक स्पिरिट ग्रिफिन है, इसका लेवल है 600 और इसका भी लेवल है 600। तो आप सभी भाइयों को पता है कि केओस ग्रिफिन का पावर क्या है, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि स्पिरिट ग्रिफिन का पावर कैसा है। तो चलो गाइस इस फाइट को देखते हैं इन 3, 2, 1 एंड अगर आप लोग वीडियो का एंजॉय कर रहे हो तो अपने बोल भाई को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। ओके चलो करते हैं फाइट। ओके गाइस फाइट हो गया शुरू, अब देखते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे हो रहा है देख। अरे गाइस यहाँ पे स्पिरिट और केओस के बीच फाइट हो रहा है। अरे यार बोल, ये केओस ग्रिफिन तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली निकला यार। गाइस क्लियर विनर है भाई, क्लियर विनर इस केओस ग्रिफिन भाई, कि इस केओस ग्रिफिन को कोई नहीं हरा सकता है यार, कोई नहीं हरा सकता है क्या इस केओस ग्रिफिन को? आई हैव नो आइडिया, लेकिन गाइस इसने स्पिरिट ग्रिफिन को आराम से पल भर में उड़ा दिया भाई साहब। तो चलो सिम्बा हम लोग जाते हैं ऊपर। इसका नाम सिम्बा है क्या? और क्या मैच खत्म हो गया? नहीं यार अभी भी गाइस 2 मैचेस बाकी है,
अभी होने वाला है सेमीफाइनल मैच और उसके बाद होने वाला है फाइनल मैच। सो गाइस अगला जो कमेंट करा है बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट है। पढ़ना पढ़ना जल्दी। अरे एक मिनट बनी, पढ़ने तो दे भाई, तू बहुत बात करता है। ओके ओके सॉरी सॉरी, बोल ले बोल ले। ओके गाइस बनी का बात इग्नोर करो और मैं आप सभी भाइयों को अभी दिखाने वाला हूँ कि अगले कमेंट में क्या लिखा है। तो देख सकते हो अगला कमेंट करा है संबीत कुमार डे ने एंड भाई ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कमेंट करा है। बोल भाई प्लीज, सेलिस्टिल रेक्स वर्सेस सेलिस्टिल फेरॉक्स। अरे ये तो मुझे भी देखना था, काफी दिनों से देखना था गाइस, ये तो मुझे भी देखना था। तो गाइस मैंने अपने सामने ला दिया है एक सेलिस्टिल फेरॉक्स और दूसरा सेलिस्टिल टीरेक्स। एंड गाइस बहुत सारे भाई लोगों ने ये वाला फाइट तो कभी देखा ही नहीं होगा, ठीक है, सेलिस्टिल रेक्स वर्सेस सेलिस्टिल फेरॉक्स नहीं देखा होगा गाइस। हाँ 100% नहीं देखा होगा। एंड गाइस मैंने खुद नहीं देखा है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दोनों ही लेवल 500 के हैं, ये भी लेवल 500 का है और वो भी लेवल 500 का ही है, ठीक है। तो चलो गाइस इस वाले सेमीफाइनल मैच को हम लोग शुरू करते हैं इन 3 2 1 ब्रूम। ओके गाइस बैटल हो गया है शुरू, अब देखते हैं। ओ नो, इसने तो अपना सेलिस्टिल हमला यूज करा। अब देखते हैं सेलिस्टिल फेरॉक्स को आ गया है गुस्सा। सेलिस्टिल फेरॉक्स ने करा कामे हमें। अब देखते हैं गाइस कौन ज्यादा पावरफुल है। गाइस मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो पास से देखना पड़ेगा। गाइस सेलिस्टिल फेरॉक्स बहुत कमाल तरीके से पीट रहे और साथ ही साथ गाइस सेलिस्टिल रेक्स भी पीट रहे। अरे यार सेलिस्टिल फेरॉक्स तो मर जाएगा यार। अरे हां गाइस सेलिस्टिल फेरॉक्स तो मर जाएगा यार। ओ गाइस सेलिस्टिल फेरॉक्स को शायद से मार देगा ये सेलिस्टिल रेक्स। ओ नो ओ नो गाइस, सेलिस्टिल फेरॉक्स को इसने तो खा दिया। अरे बोल ये कैसे हो सकता है यार, मतलब सेलिस्टिल रेक्स ज्यादा स्ट्रांग है क्या? गाइस सेलिस्टिल रेक्स शायद से ज्यादा स्ट्रांग है, क्या कहते हो गाइस? दोबारा से इस फाइट को शुरू करूं क्या? हाँ कर सकता है बोल। तो चलो गाइस दोबारा से इस बैटल को हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस मैं दोबारा से आ गया हूँ गाइस सेलिस्टिल रेक्स और सेलिस्टिल फेरॉक्स को लेकर के। तो गाइस ये इन दोनों के बीच फाइनल मुकाबला होने वाला है और आज ही हम लोग को पता चलने वाला है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो चलो इस वाले फाइट को शुरू करते हैं। ओके गाइस बैटल हो गया शुरू, अब देखते हैं गाइस। फेरॉक्स ने शायद से कामे हमें यूज करा लेकिन अभी तक मेरे टीरेक्स ने कुछ नहीं करा। कमाल कमाल टीरेक्स, तुम कर सकते हो यार भाई, क्या कर रहे हो यार? ओ नो गाइस अभी दोनों के बीच दोबारा से बैटल हो रहा है। कमान 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 कमान। ओ नो गाइस इस बार तो फेरॉक्स बहुत ही गंभीर तरीके से पीट रहे हैं। अरे इस बार शायद से सेलिस्टिल फेरॉक्स जीतेगा यार। अरे गाइस मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि इस बार सेलिस्टिल फेरॉक्स जीतने वाला है। देखते हैं गाइस, देखते हैं कुछ भी नहीं कह सकते हैं गाइस। हाँ यार बोल, अभी कुछ भी नहीं कह सकते, दोनों के बॉडी से खून आ रहे और इसके साथ गाइस दोबारा से दिखा दे कि टीरेक्स तो आखिर टीरेक्स ही है। टीरेक्स तो आखिर टीरेक्स ही है यार, देख सकते हो टीरेक्स ने प्रूफ कर दिया। देख सकते हो टीरेक्स के बॉडी में बहुत सारा घाव है। फेरॉक्स ने इसको बहुत बुरी तरीके से हमला दिया है लेकिन इसने दो बार गाइस सेलिस्टिल फेरॉक्स को हराया है। तो गाइस ये था सेमीफाइनल मैच और अभी हम लोग देखने वाले हैं फाइनल शोडाउन। 2000 years later. So guys, finally आ गया है the final showdown, the final match. तो guys, तो last comment करा है पुष्पा गुरुंग भाई ने। तो पुष्पा भाई यार तुम तो झुकोगे नहीं, इसलिए तुमने बहुत बढ़िया comment करा है। तो पुष्पा राज ने comment करा है guys, Spirit Rex versus Chaos Rex. हाँ guys मुझे भी देखना था ये Spirit Rex. अरे ये है Spirit Rex. हाँ guys ये है Spirit Rex. अरे ये तेरे को घूर क्यों रहा है यार? अरे मेरे को डर लग रहा है बोल। अरे तू टेंशन मत ले, अरे इसका तो हड्डी दिखाई दे रहा है यार। क्योंकि ये एक स्पिरिट है ना गाइस, पता है ना स्पिरिट क्या होते हैं? भूत होते हैं। अरे यार स्पिरिट भूत नहीं होते, स्पिरिट सोल होता है, आत्मा होता है, ठीक है। बानी तो कुछ भी बोल लेता है यार। अरे अरे सॉरी सॉरी, कभी कभार इधर का उधर हो जाता है, माफ कर देना। अरे चलो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं। और गाइस ये अपना केओस। तो गाइस आज ही हम लोगों ने एक चीज देखा था गाइस, केओस ग्रिफिन वर्सेस स्पिरिट ग्रिफिन। तो उसमें गाइस केओस ग्रिफिन आराम से जीत गया था। तो इस बार मुझे देखना है कि रेक्स के मामले में केओस ज्यादा स्ट्रांग है या स्पिरिट, क्योंकि गाइस स्पिरिट और केओस दोनों ही इक्वली स्ट्रांग माने जाते हैं, ठीक है। तो आज ही हम लोग को ये सब कुछ पता चलने वाला है। अरे हाँ यार बोल, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, क्या आप लोग भाई लोग एक्साइटेड फील कर रहे हो? तो हाँ जरूर से कमेंट करना, ठीक है, और कमेंट करना कि आप लोग कौन से वाले डायनासोर को चूज कर रहे हो। तो मैं तो चूज कर रहा हूँ यार केओस को और बोल चूज कर रहा है। अरे यार तू हमेशा फर्स्ट पिक क्यों लेता है? ऑब्वियसली गाइस इसने केओस चूज करा तो मुझे स्प्रेड ही चूज करना पड़ेगा। तो चलो गाइस इस फाइट को, फाइनल फाइट को शुरू करते हैं इन 3 2 1 गो। ओके गाइस बैटल हो गया शुरू, अब देखते हैं गाइस। ओ नो ये क्या, ओ भाई ओ इसने तो स्प्रेड, व्हाट ये क्या था गाइस, ये क्या था? अरे बोल ये क्या था यार? गाइस पूरा एरिया क्या हो क्या गया यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन मरा कौन जीता यार। Say what? ओ गाइस दोनों के दोनों मर गए। अरे बोल दोनों
बाकी दोनों मर गए यार। गाइस स्पिरिट रेक्स भी मर गया और साथ ही साथ गाइस केओस रेक्स भी मर गया। गाइस अब पता चला ना, गाइस अब पता चला ना, स्पिरिट्स भी कम नहीं होते ठीक है, लेकिन केओस का बॉडी रह गया और स्पिरिट का बॉडी। अरे स्पिरिट तो आत्मा है ना, तो वो उड़ गया। अरे चुप हो जा पानी प्लीज। तो गाइस फाइनल मैच में यही हुआ, ड्रॉ हुआ गाइस, मैच ड्रॉ हुआ। एंड गाइस तो हम लोग को मालूम चल गया कि दोनों सेम लेवल के ही है, सेम लेवल के स्ट्रॉन्ग ही है ठीक है। एंड एक और चीज गाइस, दोनों के लेवल 1500 था ठीक है, 1500। तो गाइस आज के लिए बस इधर तक ही था। अगर आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद पसंद आया है तो जरूर से गाइस सब्सक्राइब और लाइक कर देना। एंड मिलते हैं गाइस सुन, तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो, मजे में रहो, सायो नारा।